अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील हियर, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी एफपीएससी का पास्ट पेपर, और उसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको। और ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं एसएसटी एफपीएससी का ये पास्ट पेपर है बेटे, और इसका इंग्लिश का जो पोर्शन है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज इज वी नीड अ कंप्यूटर डैश अ ह्यूज मेमोरी। तो अब इसमें बेटे हमने यहां पे करेक्ट ऑप्शन देखना था, तो अल्फा की अगर हम बात कर ले तो हैविंग, अब यहां पे जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो हैविंग या विद की बन सकती है, और यहां पे मेरा बेटा करेक्ट आंसर विद है, क्योंकि अगर हम हैविंग की बात करते हैं और अगर हम बीइंग की बात करते हैं, हैविंग बीइंग और बी, तो इनके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पे जो विद है वो करेक्ट आंसर है, और विद जो है ग्रामर के अंदर एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होता है और एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है, सो विद इज करेक्ट आंसर। उसके बाद सेकंड, अगर हम एमसीक्यूज पे आए, एज सून एज आई सा हर आई न्यू दैट आई हैड मेट हर बिफोर, तो बिफोर इज करेक्ट आंसर। अब बिफोर जो है ये कंजंक्शन है, बिफोर क्या है? कंजंक्शन। बिफोर आ जाए, When आ जाए और after आ जाए। अगर आप लोगों ने verb की मेरी वीडियो देखी हो तो verb की वीडियो में मैंने combination को discuss किया है, past perfect और past indefinite का combination हम कब use करते हैं, जब when, after और before जो है ये conjunction, इनमें से कोई भी conjunction के तौर पे आ जाए तो हम एक हिस्से में past perfect use करते हैं और एक हिस्से में past indefinite use करते हैं। तो यहां पे आप अगर देखें as soon as I saw her, ये past indefinite है आपके पास। I knew that I had met, ये past perfect है, और ये before जो है ये conjunction के तौर पे है, so before is correct answer। Two boys are dash in looks but not in personality, तो looks क्या है यहाँ पे? appearance। Two boys are like नहीं हो सकता मेरा बेटा, same नहीं हो सकता, alike। alike जो है, alike का बुनियादी तौर पे meaning, यहाँ पे हमने sentence के अंदर semantic को देखना है, तो alike जो है, alike का meaning है एक जैसे, तो two boys are alike in looks but not in personality, तो same in look नहीं हो सकता और like in looks नहीं हो सकता, तो यहां पे मेरा बेटा अलाइक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे जी, शी लिव्स डैश अल्बर्ट स्ट्रीट। अब बुनियादी तौर पे अगर हम जनरली स्ट्रीट की बात करें तो ही लिव्स इन दिस स्ट्रीट, इन आ जाता है स्ट्रीट के साथ। अब स्ट्रीट का यहां पे नेम मेंशन है तो यहां पे प्रेपोजिशन जो आएगी ऑन आएगी, और ये अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन है बेटे, और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का रूल अप्लाई होता है यहां पे, और यहां पे ऑन आएगा अगर स्ट्रीट का नेम मेंशन है। अगर वैसे ही मेरा बेटा जनरल स्ट्रीट की बात हो रही होती तो फिर इन नेम मेंशन ना होता, तो ही लिव्स इन दिस स्ट्रीट, और अगर एड्रेस की बात हो रही होती तो फिर मेरा बेटा एट आना था यहां पे, सो ऑन इज करेक्ट ऑप्शन। आमिर इज, अब यहां पे देखें जी, almost और almost nearly or none of these, तो मेरा बेटा nearly तो नहीं हो सकता, almost और almost दोनों में difference क्या है? almost correct option है, almost होता है मेरा बेटा तकरीबन, और जो almost है ये दोनों different words हैं, और इनको हम मेरा बेटा इस तरह से इकट्ठा जो है एक meaning के लिए use नहीं करते, so almost, आमिर is almost like a father to me, कि आमिर जो है वो मेरे लिए मेरे बाप की तरह है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटे चलते हैं, यहां पे आप देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज, आई लाइक टू बी, अब यहां पे अगर हम बात कर लें आई लाइक टू बी फॉर शॉर्ट पीरियड्स, आई लाइक टू बी, तो यहां पे बेटे आपके पास जो ऑप्शंस थे उनमें लोन था, लोनली था, और अलोन यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। आई लाइक टू बी अलोन, जैसे हम कहते हैं लीव मी अलोन, तो यहां पे आई लाइक टू बी अलोन फॉर शॉर्ट पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू, अब यहां पे आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू और वुड, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, बी फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन अ गेम ऑफ टेनिस। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, आई विश,
आई विश टूडे डैश संडे. तो याद रखें कि जब हमने बात की थी वर्ब की एक्टिविटी में, जिसमें हमने इफ वाले सेंटेंस किए थे, एज इफ वाले किए थे, वुड दैट वाले किए थे, वुड रादर वाले किए थे, लेस शुड वाले सेंटेंस किए थे, वहां पे हमने विश को, इफ को, एज इफ को, वुड दैट को डिस्कस किया था. तो आई विश टूडे, अब जब विश आ जाए, इफ आ जाए, एज इफ आ जाए अनफुलफिल डिजायर के मीनिंग में, तो अनरियल सिचुएशन में, तो उसके साथ मेरा बेटा वर आता होता है या नॉमिनल केस हो तो हेड आ जाता होता है, आगे मेन वर्ब हो तो हेड आ जाता होता है. अब यहां पे देखें कि यहां पे कुड भी नहीं हो सकता, वॉज नहीं हो सकता और वुड भी नहीं हो सकता. सो नन ऑफ दीज, अगर नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है तो यहां पे आना क्या था? अगर इन तीनों में से यहां पे कोई नहीं आ सकता तो आई विश टूडे वर संडे, वर संडे. अब ये कंफ्यूजन है बेटे कि टुडे वर संडे, टुडे वॉज संडे क्यों नहीं है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम विश की बात करते हैं, जब इफ की बात करते हैं, जब एज इफ की बात करते हैं, तो हम फिर मेरा बेटा इसके बाद ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, जो भी हो मेरा बेटा, हम वर यूज करते हैं. उसके बाद देख रहे हैं जी, I waited for her till 6 o'clock. अब यहां पे देख लें कि till जो है, till 6 o'clock, till और until बुनियादी तौर पे दोनों जो है वो condition की sense में use होते हैं, time bound condition है. till is correct answer. until अगर फिक्रे के अंदर आ जाए या unless आ जाए तो उसके बाद negation नहीं लग सकती, और till फिक्रे के अंदर आ जाए तो उसके बाद negation भी लग सकती है. यहां पे मेरा बेटा context के according, यहां पे semantic के according, यहां पे meaning के according जो correct option है वो till है. और उसके बाद next पे आ जाएं, she dash be here tomorrow. तो यहां पे मेज तो आ ही नहीं सकता, मे के साथ हम एस नहीं लगाते, she may be भी नहीं और none of these भी नहीं. अगर might हम लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? might जो है it's a modal verb और future के अंदर जो possibility है उसके लिए हम might use करते हैं. और जिस तरह से can को लेके और could जो है can की second form consider की जाती है, और ये एक conception है कि could को हमेशा past में आप use करेंगे, मे के साथ माइट को पास्ट में, तो माइट मेरा बेटा मोडाल वर्ब है और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है. और उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाएं, ऑल डैश यू से इज सर्टेनली ट्रू. अब यहां पे ऑल What you say, all what you say, all which you say नहीं होगा, all that you say नहीं होगा, all what you say is certainly true, के जो कुछ भी तुमने कहा वो यकीनन दुरुस्त था. उसके बाद Bernard developed a new, अब यहां पर देखे developed a new technique. अगर method हो तो हम कहते हैं introduced a new method, और technology हो तो technology जो है उसको invent, किसी भी उसको invent किया जाता है. तो यहां पर बेटे development है, develop है, तो क्या आ जाएगा? टेक्निक इज करेक्ट आंसर. और उसके बाद आई डैश बी रिच वन डे, आई विल बी रिच, और ये मेरा बेटा फ्यूचर की तरफ, तो आई विल बी रिच वन डे. और नेक्स्ट आप देखेंगे, आई हैव नोन हर, आई हैव नोन हर 3 days. अब 3 days जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है. ये हमारे पास क्या है? पीरियड ऑफ टाइम. अगर पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं. और अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होता, अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होता तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस यूज करते हैं. तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम था, 3 days था, तो हमने फॉर को करेक्ट किया. उसके बाद आई कैन, अब आई कैन हियर आ जाएगा. किसी को मेरा बेटा सुनना, आई कैन हियर समबडी इज कमिंग. अब किसी की आर्ट सुनना, किसी की चाह सुनना, और लिसन होता है कि जब कोई अटेंटिव होके सुन रहा हो, जब कोई आपकी गुफ्तगू को सुन रहा हो, तो आई कैन हियर समबडी इज कमिंग. कैन आ जाए, एक बात और याद रखिएगा यहां पे, कैन आ जाए, कुड आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, मे, माइट, ऑट, डू, डज, डिड, इन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म में फिर हम एस या ईएस एड नहीं करते. तो आई कैन हियर, हियर इज करेक्ट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं, The pairs are dash to cost more than you think. Are expected, यहां पे मेरे बेटा are expected to cost more than you think. तो sure भी नहीं आएगा, sure और certain जो है वो same meanings में है, और expected
टू कॉस्ट मोर देन यू थिंक. सो चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाए, ही इज एंजॉयिंग हिज लेटेस्ट जॉब आ जाएगा, और इसमें प्रीवियस भी नहीं आएगा, लास्ट भी नहीं आएगा, और लेटेस्ट जॉब ही इज एंजॉयिंग हिज लेटेस्ट, जो उसकी मोस्ट रिसेंट जॉब है वो उसे अनाउंस, उसको एंजॉय कर रहा है. उसके बाद नेक्स्ट पे आप देख लें जी, डैश हैंड राइटिंग कैन नॉट बी इजिली रेड. अब यहां पर देखें ये एलिजिबल, अब पहले वर्ड्स को देख ले, लेजिबल जो होता है वो होता है रीडेबल, लेजिबल जो है वो रीडेबल है. अगर रीडेबल है तो यहां पे हमारे पास सेंटेंस क्या है, हैंडराइटिंग कैन नॉट बी इजिली रेड, कैन नॉट बी इजिली रेड. अब यहां पे और रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड रेड होती है सेम स्पेलिंग्स के साथ. अब यहां पे देखें जी के हमारे पास अगर लेजिबल की हम बात करते हैं तो कैन नॉट बी इजिली रेड, तो यहां पे जो लेजिबल है वो तो रीडेबल है, और जो लुसिड है वो मेरा बेटा क्या है, वो भी क्लियर के मीनिंग में आ जाएगा, शार्प के मीनिंग में आ जाएगा. तो इलेजिबल, एलिजिबल जो है ये अनरीडेबल है, अनरीडेबल, अनरीडेबल हैंड राइटिंग कैन नॉट बी इजिली रेड, के इस तरह की जो हैंड राइटिंग है उसको पढ़ा नहीं जा सकता. तो ये बेटे एलिजिबल आ जाएगा, और अगर इलिजिबल हो तो वो किसी चीज के लिए आप जो इलिजिबल होते हैं, किसी चीज के लिए आप मेरा बेटा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं उसके लिए एलिजिबल, वो ई से होता है. और एक बात याद रखिएगा बेटे के पेयर ऑफ वर्ड्स जो है उनको भी जरूर तैयार किया करें अपनी वोकैबुलरी को बेहतर बनाने के लिए. और जिस तरह से आप एडवाइस और एडवाइस की बात करते हो, एडवाइस जो है ए डी वी आई सी, एडवाइस नसीहत है और ये नाउन है, और एडीवीआईएससी एडवाइस जो है ये बुनियादी तौर पे वर्ब है. तो इसी तरह से बेटे इल्यूजन की हम बात करते हैं आई के साथ, और इल्यूजन जो है उसकी हम बात करते हैं के साथ तो रेफरेंस के तौर पे यूज होता है, ए के साथ जो इल्यूजन है वो रेफरेंस के तौर पे यूज होता है, जो आई के साथ इल्यूजन है वो डिसेप्शन या शराब के तौर पे यूज होता है. तो इसी तरह से बेटे ये जो वर्ड है एलिजिबल और साथ वो जो एलिजिबल है उसको साथ ज़हन में रखेंगे. अ व्हाइट एलिफेंट, अब ये इडियम है, अ व्हाइट एलिफेंट इडियम, और अ व्हाइट एलिफेंट ऐसी चीज को बोलते हैं जिसका नफा कम हो और नुकसान ज्यादा हो. तो अगर हम कहते हैं कि पीटीवी इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर गवर्नमेंट, तो पीटीवी जो टीवी चैनल है वो व्हाइट एलिफेंट है गवर्नमेंट के लिए. तो यहां पर मेरा बेटा अगर हम बात कर लें यूजलेस एंड कॉस्टली, व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है, यूजलेस एंड कॉस्टली, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. वेरी ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं है, लुक्स अगली नहीं हो सकता, और नन ऑफ दीज भी ऑब्वियसली नहीं होगा. नॉर्मली एन इंडिविजुअल थंडर स्टॉर्म, अब यहां पर देखे एंड्स अबाउट 45 minutes, लास्ट 45 minutes, रिमेन्स 45 minutes, या नन ऑफ दीज. तो बेटे अब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ends and last, end होता है मेरे बेटा किसी चीज का खत्म हो जाना, किसी चीज का मुकम्मल हो जाना, और last जो है वो होता है continuous for a moment, continuous for a मोमेंट या ऑन गोइंग. अब इसमें देखे जी के नॉर्मली एन इंडिविजुअल थंडरस्टॉर्म लास्ट About 45 minutes. तो बेटा ये वो MCQs थे जो SST के पास्ट पेपर में इंग्लिश के पोर्शन में आए, और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई भी MCQs जो है वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, वो इतना मुश्किल नहीं था, कोई भी MCQs बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं था. बस सिर्फ ये होता है कि बच्चों की आमतौर पर प्रैक्टिस नहीं होती और उसकी वजह से वो मिस्टेक्स करते हैं और उन्हें लगता है कि एक से ज्यादा आंसर्स जो है इसमें करेक्ट होंगे. तो FPSC के पेपर में बेटे इसी लेवल के, चाहे वो लेक्चर का पेपर हो उसमें जो इंग्लिश ग्रामर आ रही होती है, TGD का पेपर हो उसमें जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, इसके अलावा SST का पेपर हो उसमें जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, मिलते जुलते मेरा बेटा इसी तरह के MCQs होते हैं इंग्लिश ग्रामर के पेपर में. तो ये मेरा बेटा पेपर था, और MK प्रिपरेशन हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर मजीद पास्ट पेपर भी आप SST FPSC के देख सकते हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को MK प्रिपरेशंस को जरूर सब्सक्राइब करें. और MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से SST FPSC का सेशन स्टार्ट हो चुका है. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो 2 मंथ का ये सेशन है, और 2 मंथ के सेशन के 5000 चार्जेस हैं, जिसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रिपेयर करते हैं, सेंड करते हैं, नोट्स भी सेंड करते हैं, टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं, और डिस्कशंस भी कराते हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज.